अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस। जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलजेब्रा डिस्क यूज करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगी कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग जैसे एग्जाम्पल दी हुई है पेज नंबर 86 के ऊपर, 4x + 2, इसको अलजेब्रिक डिस्क से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है कि एक्स जो है वो 4 times है। 4x का मतलब ये है कि एक्स जो है वो 4 times है। इसको पहले हम जरा अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक्स जो है ये 4 times हो गया और इसमें हम लोगों ने ऐड किया है 2, यानी कि 1 + 1, ठीक है। हमने ये बिल्कुल ओपन करके लिख देना है। अब हम इसकी डिस्क कैसे बनाएंगे। हमारे पास 1, 2, 3 and 4 डिस्क बनेंगी एक्स की, और 2 डिस्क बनेंगी जिसमें हम 1 लिखेंगे। तो इस तरह करके हम अलजेब्रिक डिस्क बना के जो है वो हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए लीनियर एक्सप्रेशंस की। अब अगर यहाँ पे अगली एग्जांपल 3x - 1, इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे -1 होगा वहां पे हम क्या करेंगे, एक्स जो है वो 3 times है और इसके बाद हमारे पास -1 है। तो आपने क्या करना है, एक्स 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 और डिस्क में -1 आप लिखेंगे तो हमारी ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट हो गई। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस है। ये रिप्रेजेंटेशन इतनी पेपर्स में वैसे आती नहीं है, लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन, हम लोग लीनियर एक्सप्रेशंस को हमेशा अलजेब्रिक डिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक डिस्क। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस। मैं ये दोनों टॉपिक्स आपको एक साथ ही करा रही हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे ये पहली बात तो ये कि हमेशा अलजेब्रा जब भी हम लोग कर रहे हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वगैरह जब हम कर रहे होते हैं, तो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि हमेशा जो लाइक वेरिएबल्स होंगे सिर्फ वही एड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक्स और एक्स होगा तो वो एड हो सकेंगे, हम इनको 2x लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये हमारे पास x + y है तो ये x + y ही रहेगा, हम इसको ज्वाइन करके या कंबाइन करके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारे लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। क्वेश्चन है 2x + 3x, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरिएबल्स हमारे पास सेम है तो इट मींस कि हमारे पास ये 5x आ गया। अलजेब्रिक डिस्क के थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास, मेरे पास 2x ये वाले, ठीक है, और 3x मेरे पास ये वाले, तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल 5x हो गए। हम सीधा सीधा चलते हैं अपनी प्रैक्टिस नाउ की तरफ। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग अलजेब्रा डिस्क्स, ठीक है। इसमें हम लोग कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, -3x। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम सबसे पहले इन डिस्क्स को जरा ध्यान से लिख लेते हैं, मतलब जरा ओपन करके इस एक्सप्रेशन को डिस्क की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास ये 3x है। अब ये 3x है तो हमारे पास उन तीनों के साथ माइनस का साइन होगा क्योंकि -3x है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इनको ऐड करना है -4x में, मींस कि हमारे पास जो 4 दूसरे वाले x हैं, ये वाले 4x जो है वो भी 4 हैं, लेकिन उन सबके साथ भी माइनस का साइन होगा। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, वैसे तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मैं इन सारों को ऐड कर लेती हूं, ठीक है। जब मैं इन सबको ऐड करूंगी तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x हैं ये, और 7x है लेकिन सारों के साथ हमने माइनस का साइन भी लिखना है। अब ये तो हमारी अलजेब्रिक डिस्क हो गई। अब मैं इसको यहां से सॉल्व करती हूँ, -3x + -4x, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इट मींस कि ये एक्सप्रेशन प्लस हो जाएगी। 7x आ गया लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगी। इसी तरह हम एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, पेज 88 के ऊपर हमारे पास है, इसका भी लास्ट पार्ट कर लेते हैं, -4x - -3x, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए सबसे पहले इस फ्रैक्शन का जो, इस एक्सप्रेशन का जो माइनस का साइन है ना, ये वाले इनको जरा आसानी करके यूं लिख देते हैं, +3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिस्क बनाऊंगी, यहाँ पे 4x है तो मैं 4 दफा x लिखूंगी,
लेकिन माइनस फोर एक्स है तो मैं सबके साथ माइनस का साइन भी लगाऊंगी। दूसरी साइड पे यहाँ पे मेरे पास थ्री एक्स है और यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन नहीं है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही लिखूंगी। अब इनका आंसर मैं कैसे करूंगी? अब यहाँ ये वाले बहुत सिंपल है, आपने ये देखना है कि अगर एक साइड पे एक्स के साथ माइनस का साइन हो, एक साइड पे ना हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये वाले दो एक पेयर ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि वन एक्स बच गया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यहां सॉल्व करती हूँ। ये मैंने लिख दिया था माइनस फोर एंड प्लस थ्री, माइनस फोर प्लस थ्री क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस, यानी ये क्वेश्चन हम माइनस करेंगे और जब मैं फोर में से थ्री निकाल दूंगी तो ये आ जाएगा वन, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले के साथ में वाला होगा। इसका मतलब ये माइनस वन एक्स बच गया। अब जब कोएफिशिएंट हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि अगर कोएफिशिएंट वन हो तो हम उसको नहीं लिखते होते, तो इसका आंसर सिंपल माइनस एक्स होगा और हमने डिस्क के थ्रू उसको पहले ही बता दिया कि वो माइनस एक्स होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज समझा दूँ जो सब्ट्रैक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन में जो सबसे पहली एग्जांपल है 3x माइनस 2x की, उसको भी देख लेते हैं। इस चीज को आपने डिस्क के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्वेश्चन ये है कि आपने 3x में से 2x को माइनस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम 3x बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, इसमें से आपने 2x जो है वो निकाल देने हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से माइनस टू एक्स आपने मतलब माइनस टू एक्स कर देना है, टू एक्स जो है वो इलिमिनेट कर देने। जब ये टू एक्स यानी ये दो एक्स आप निकाल चुके तो आपके पास पीछे आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्स, और आपकी डिस्क में सिर्फ एक्स बचेगा। ये हमारा वो छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी और साथ में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ी लीनियर एक्सप्रेशन की थ्रू डिस्क, अलजेब्रिक डिस्क के थ्रू, और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।